पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन में हैं। एक ओर जहां बीजेपी के बड़े नेता इस चुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल के चुनावी रण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन चुनाव को लेकर कोलकाता में होने वाली ओवैसी की रैली को पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसके चलते इस रैली को रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बाद बंगाल के मुस्लिम किस तरह से गुस्से में हैं, आज आपको इस खबर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोलकाता में ओवैसी की रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई थी। मेतिया ब्रुज इलाके में होने वाली इस रैली को पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहाँ नहीं आ पाएंगे। वहीं ओवैसी की रैली रद्द होने से पार्टी कार्यकर्ता भी काफी निराश हैं। हालांकि पार्टी कार्यकर्ता इसका सीधा आरोप टीएमसी नेताओं पर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बंगाल में बीजेपी के कई नेता डेरा डाले बैठे हैं। इस बीच बंगाल से राजनीतिक हिंसा की खबरें भी खूब आ रही हैं। लेकिन अब जब ओवैसी की रैली रद्द हो गई, तो बंगाल के मुसलमान क्या बोल रहे हैं आपको दिखाते हैं। एमडी तहसीन लिखते हैं, क्या टीएमसी सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में इस तरह का लोकतंत्र मौजूद है? आप किसी राजनीतिक दल को रैली करने से कैसे रोक सकते हैं? ममता को डर लग रहा है कहीं ओवैसी ना जीत जाए। बंगाल का मुस्लिम या तो बीजेपी के साथ है या ओवैसी के, ममता के साथ नहीं। फारूक मोइन लिखते हैं, ओवैसी ममता दीदी से डरता नहीं है, आप रैली करो बंगाल में आकर, पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ है, पर ओवैसी साहब बंगाल में अब की बार बीजेपी सरकार बनेगी। सैयद अहमद हुसैन लिखते हैं, भाई समझ गए, ओवैसी ने दीदी के साथ गठबंधन के लिए बातचीत करने या पढ़ने के लिए खुले तौर पर कहा, लेकिन दीदी ने बंगाल के मुस्लिमों को गुलाम माना और ओवैसी को अस्वीकार कर दिया। भाई ये समय मुस्लिम वोट की शक्ति दिखाने का है, अन्यथा सरकार ने हमें बस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। तो देखा आपने, बंगाल के मुस्लिम साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ओवैसी की रैली तो रद्द कर दी, लेकिन इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।